तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं एसआरएस वाइब्स। तो आज की वीडियो में आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछते होंगे, सर भैया मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को लगता है, जो बहुत सारे YouTube चैनल पे भी ये चीज़ अवेलेबल है कि मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक कैमरा। कैमरा एक इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है जब हम राइडिंग कर रहे हैं, क्योंकि राइडिंग कई तरह की होती है। जैसे कि अगर बात करता हूं, एक होता है राइडर, एक होता है ट्रैवलर, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी में हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक ट्रैवलर हो तो आप एक लंबे लंबे टूर करोगे, और राइडर हो तो आप किसी ट्रैक पे इस तरह की चीज़ों में हाई स्पीड पे बाइक चलाओगे। तो दोनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज एन स्टार्ट करने के लिए मोटो ब्लॉगर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास सेफ्टी, ठीक है। तो आपको एक सबसे पहला काम करना है कि आपको एक सेफ्टी जैकेट को परचेस करना जरूरी है। आप एक्सोर का या राइनॉक्स का आप ले सकते हो, या सोलेस का भी आप परचेस कर सकते हो, दैट इज मच बेटर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है एक बढ़िया सा हेलमेट। तो मैं अभी यूज करता हूँ एक्सोर का, ये मेरे पास है विविड, एक्सोर का विविड हेलमेट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। उसके बाद आपके लिए सेफ्टी के लिए हाथों के लिए ग्लव्स होता है, क्योंकि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप अच्छे हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, तो एक्सीडेंट के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है यहाँ पे हाईवे पे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करो तो कैमरा इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है आपके जैकेट पे, आपके राइड सेफ्टी शूज़ पे। आप कोई भी सेफ्टी शूज़ ले सकते हो, 1000-1200 के बहुत सारे सेफ्टी शूज़ आते हैं जो इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ अपना बाइक और एक बार अपना जैकेट। तो ये मेरा जैकेट आप देख सकते हो, ये है राइनॉक्स की तरफ से आता है, टोर्नेडो प्रो 4 है, जिसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है लगभग 9000 रुपीज़। और ये मेरे पास स्टील बर्ड का कप्स है मेरे पास, तो जो मैं यूज़ करता हूँ इस वगैरह दिया गया है। और यहाँ पर आपके काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, ये दो चीज़ें हैं। और इससे पहले मैंने हेलमेट परचेस किया था, जो भी राइट नाउ मैं पिलियन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वही हमारे पास हेलमेट है, ठीक है। बट ये यूज़ मैं करता हूँ स्पेशली फॉर द पिलियन, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो अभी कर रहा हूँ फिलहाल एक्सोर का ये, क्योंकि इसके अंदर जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है कि इसमें इसे जब आप पहनोगे तो आपके फेस पे आपका जो रोटेशन है वो काफ़ी सही रहता है, और जब भी आप अराउंड 100-110 के स्पीड पे चल रहे हो तो ये हेलमेट हिलता नहीं है। सो दैट कि मैंने इस हेलमेट को रिप्लेस किया था। इसके अंदर का आप दोनों की पैडिंग को देख सकते हो, इसकी पैडिंग और इसकी पैडिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो कॉस्ट डेफिनेटली अच्छा आता है। ये हेलमेट मैंने परचेस किया है अप्रॉक्सीमेट बोलूँ तो 4500 के रेंज का ये हेलमेट है, ऑफर हेलमेट भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर से कंक्लूड करूंगा लास्ट में कि अगर आप एक मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला आप फोकस करो एक बेस्ट हेलमेट के ऊपर, देन राइडिंग जैकेट, देन ग्लव्स, और उसके बाद एक आप शूज़ रखो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब आप राइडिंग कर रहे हो ना तो पैरों में ठेस भी लगती है, चोट लगती है जिसके वजह से। तो इसमें काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पे ये मिल जाता है मेटल का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक है। उसके बाद आप परचेस कर सकते हो एक कैमरा, क्योंकि एट द एंड आपको फोटोशूट वीडियोग्राफी करना है, सो दैट कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये करेगा। तो एक कैमरा रखो, मैं तो बहुत इनिशियल स्टेट पे मैं रखा हूँ, गोकैम का है बेसिक, 9000 का कैमरा ही, आप भी परचेस कर सकते हो इसे, ठीक है। क्योंकि इसका अब मेरे जितने भी मोटो ब्लॉगिंग के वीडियो देखोगे सारे इसी कैमरे से मैं रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप भी परचेस करो, और आशा करूँगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मोटो ब्लॉगिंग को शूट करो। अगर कोई आपको डाउट लगता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो मुझे, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर के DM कर सकते हो मेरे को, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा अगर मेरे से कोई लगेगा तो। स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग करना है आपको, अपने ऑडियंस को गेन करना है, तो ऑडियंस गेन करने के लिए आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम बोलूँ या फेसबुक बोलूँ, जहाँ सालों टाइम लग जाते हैं। मेरा तो ये सेकंड चैनल है तो मुझे पता है अच्छे से कि कितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगता है। तो डेफिनेटली बोलूँगा कि स्टार्टिंग करो इनिशियल स्टेट से, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लेकर के आप राइडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और बाइक डजेंट मैटर कि मैं बोलूँगा कि आप बाइक कोई बहुत महंगे हैवी बाइक को परचेस करो, ठीक है। आप इनिशियली कोई भी नॉर्मल सा बाइक यहाँ पे परचेस कर सकते हो, ठीक है। आप ये आपके पास अगर कोई स्प्लेंडर है, किसी भी बाइक है, बाइक मैटर नहीं करती है यार, आप कोई भी बाइक को यूज़ करो, ठीक है। स्टार्ट करो, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर कमेंट करना YouTube पे, और Facebook पे जाकर के मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।